हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा एंड आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं एक कुर्ती को कितने डिफरेंट वे में पहन सकती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपको सच में हेल्प करने वाला है। सो मैं वीडियो को बिना लेट किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो पहन रही हूँ वो है टॉप, जो कि ये क्रॉप टॉप है एंड फुल टी शर्ट है यहाँ पे मेरा। आपका अगर हाफ टी शर्ट है तो बहुत ही सही है, अगर आपके पास भी फुल टी शर्ट है तो भी बहुत सही है, मतलब इसके साथ भी अच्छा लुक आएगा। एंड देन मैं नीचे में पहन रही हूँ ब्लैक जीन्स। मेरा जो पूरा लुक है कुछ इस तरह से है एंड इसके ऊपर ही मैं स्टाइल करने वाली हूँ कुर्ती को। सबसे पहले मैं फ्रंट में जितना भी बटन होता है ना सबको ओपन कर लूँगी। बाद में स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पास इस टाइप का कुर्ती है तभी आप इतने सारे स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँगी। एंड ये कुर्ती जो होता है ना, जिसके फ्रंट में बटन होते हैं, मैं बोलूँगी एक बार वो आपके पास अगर नहीं है तो ज़रूर बाय कीजिएगा, ज़रूर ख़रीदिएगा। क्यों, एंड यहाँ पर मेरा नेल टूट गया बटन खोलने में। एक बार आपको इसे ज़रूर ख़रीदना है, क्योंकि आप ये जो कुर्ती होता है ना इसको डिफरेंट वे में, बहुत ही अच्छे अच्छे वे में आप पहन सकते हो। अगर आपको श्रग पसंद है ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। आप चाहो तो इसको श्रग भी बना के पहन लो एंड आप चाहो तो इसको कुर्ती में भी पहन सकते हो। सो जो फर्स्ट स्टाइल है ना वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड मैं ये वाइट जीन्स के साथ पेयर अप करूँगी एंड इसके साथ भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसके साथ मैं जब मैं वेयर करूँगी ना तो मैं आगे का जितना भी फ्रंट में बटन रहेगा सबको मैं क्लोज करके वेयर करती हूँ एंड इसको सिर्फ मैं ऊपर साइड में और सिर्फ मैं कुर्ती ही वेयर करती हूँ एंड नीचे में मेरा वाइट जीन्स रहता है। इसका लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब बहुत सारे टी शर्ट के साथ ये प्रॉब्लम होता है ना कि वी नेक होता है एंड काफ़ी डीप होता है, तो उसके लिए ये स्टाइल काफ़ी अच्छा है। इससे आपका जो वी नेक डीप है वो नहीं दिखेगा एंड काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसके ऊपर वाला जो बटन है वो सिर्फ आपको लगाना है एंड बाकी का जो बटन है वो ओपन छोड़ देना है एंड इसके साथ भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। कभी कभी ऐसा होता है हम मंदिर जा रहे होते हैं एंड हमें ट्रेडिशनल फॉर्मल ड्रेस चाहिए होता है, तो उसके लिए नीचे में आप जीन्स पहन लो एंड ऊपर में आपको दुपट्टा ले लेना है एंड ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। आप मैं यहाँ पे वाइट जीन्स पहनी हूँ तो वाइट ही दुपट्टा ले रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। एंड इस कुर्ती में अगर आपका इस कलर का कुर्ती है तो इसके ऊपर तो वाइट कलर का जीन्स एंड वाइट कलर का दुपट्टा काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। आपको कैसा लग रहा है यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट स्टाइल है उसमें मैं बहुत ही सिंपल रखी हूँ। उसका हाफ पार्ट का जो बटन है उसको मैं क्लोज कर दी हूँ, बंद कर दी हूँ एंड हाफ पार्ट जो ओपन रखी हूँ। आप चाहो तो एक दो बटन ऊपर साइड में और ओपन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं की हूँ।
तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा आता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी एक ही तरह से पहन पहन कर हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ अलग पहने, तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है। एंड नेक्स्ट जो है वो मैं सिंपली सारे बटन को बंद कर दी हूँ एंड ब्लैक जीन्स ली हूँ एंड उसी के ऊपर मैं ये कुर्ती वेयर की हूँ। सो ब्लैक जीन्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट जो स्टाइल है मैं 4 बटन को छोड़ के एंड जो 5 नंबर का बटन था 5th नंबर का एंड उसको क्लोज की हूँ एंड ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड ये मैं किसी सेलिब्रिटी को देखी थी, किसी मतलब उनका ये डिज़ाइन होता है। अगर आप अनारकली कुर्ता पहन रहे हो तो अगर आप चाहो तो उसके ऊपर भी ये कुर्ती पहन सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर कुर्ती है तो आप उसे पहन सकते हो। यहाँ पे मेरा जो नेक है वो सही से नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखना एंड नेक आप सही कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।